Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sallam taslima. Assalamu alaikum. इस वीडियो के अंदर आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मुताला करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ जानदार चीज़ों के अंदर होने वाले मुख्तलिफ अवामल और जो उनका जो स्ट्रक्चर है या उनका जो रहन सहन है उसके अंदर दूसरे साइंसी अलूम भी अप्लाई होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन कौन से साइंसी अलूम जो हैं वो बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो के अंदर जस्ट हम उनको तमाम अलूम को नामों की हद तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर फिर हम इंशाल्लाह इनको बारी बारी इन डिटेल देखेंगे कि वो किस तरीके से अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो पहले चीज़ है वो है बायोफिज़िक्स। ठीक है, बायोफिज़िक्स के अंदर हम फिज़िक्स के मुख्तलिफ कवानीन को मुख्तलिफ जानदारों के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री के नॉलेज को अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ जानदारों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स के डिफरेंट जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं और टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं हम बायो के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी के अंदर हम जो है वो से जो दुनिया के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ जानदारों के बारे में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पाए जाने वाले जानदारों का एक तकाबली जायज़ा लेते हैं, उनका कंपेरियन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा बायो इकनॉमिक्स। ठीक है, बायो इकनॉमिक्स के अंदर हम इकनॉमिक्स के डिफरेंट रूल्स को, डिफरेंट नॉलेज को हम जानदारों के ऊपर अप्लाई करते हैं। जनरल एक कंक्लूजन हम इस वीडियो के अंदर ये निकाल सकते हैं कि बायोलॉजी का जो साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट जो मतलब नॉलेज है उसके साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक है। ठीक है, ये हम जस्ट मोटी मोटी जो ब्रांचेस हैं उनका इसके साथ रिलेशन देख रहे हैं, बाकी जो साइंस की ब्रांचेस हैं उनका भी बायोलॉजी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। उनका भी जो नॉलेज है, उनके जो कवानीन हैं वो भी बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ लिहाज से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जनाब, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखने का बहुत शुक्रिया और मुझे फीडबैक दें ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें, और इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टार ट्यूटर्स का यूट्यूब पे विज़िट करें। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।